हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क का ऑनेस्ट रिव्यू। आप सभी लोगों को पता है कि समर स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे डेली के कमेंट्स आते हैं कि दी हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो ऐसा कोई फेस मास्क बताइए जो हमारे एक्सेस ऑयल को ख़त्म कर हमको एक ग्लोइंग स्किन दे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में। तो एक टब पैकेजिंग है और बहुत ही आसानी से जो है आप इसको ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जब समर में आप ट्रैवलिंग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग आती है और ऑयली ऑयली एंड चिपचिपी स्किन भी हो जाती है, तो आप इसको आसानी से जो है अपने ट्रैवल में कैरी भी कर सकते हो। ये बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा, कहीं से लीक नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैकेजिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, वाओ स्किन साइंस एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क जो है इसमें नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन एंड नो कलर है, जिसके साथ आपको एक ब्रश भी दिया जाता है जो कि आप बहुत ही इजीली ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हो। और आपको ब्रश जो है अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट ब्रश है। आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है आपके फेस पर अप्लाई हो जाता है। इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको जो है अपने क्लीन फेस पर 10 से 15 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करना है, उसके बाद अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश करना है। आप चाहो तो जो है वार्म टॉवल की मदद से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है जिसकी वजह से मेकअप बहुत ही आसानी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ऑयली स्किन वालों की तो वैसे भी बैंड बच जाती है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये फेस मास्क परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए। और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए भी ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को और एक बात यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो वाओ स्किन साइंस एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क है, ये जो है 100% वीगन है और ग्लूटेन फ्री है। इसमें ऐसे कोई भी जानवर को इस्तेमाल करके इसको नहीं बनाया गया है और वाओ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन एंड नो कलर होते हैं। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं और ये आपके स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं, नेचुरल होते हैं। और हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिसमें बिल्कुल भी जो है हार्मफुल केमिकल ना हो, जो पूरी तरीके से नेचुरल हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। तो 200 ml की क्वांटिटी आपको मिलती है 499 रुपीज़ में। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इतना टब जो है इतनी क्वांटिटी आपको काफ़ी टाइम चलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। तो इसके अंदर है एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, अल्ट्रामोनोस फर्मिनेट एक्सट्रैक्ट, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, हेल्प रिमूव पोलेंट्स, रिव्यू रेडियंट। अगर ओवरऑल इस फेस मास्क की मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है तो ये परफेक्ट है फेस मास्क आपके लिए। समर सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप कोई ऐसे सिटी में या शहर में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये आपके एक्सेस ऑयल को ख़त्म कर आपको एक ग्लोइंग एंड फेयर स्किन देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके साथ आपको एक ब्रश भी मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम मास्क ब्रश है और आपको जो है अलग से ब्रश लेने की झंझट भी नहीं है। ओवरऑल बात करें तो ये फेस मास्क मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें। आई होप फ्रेंड्स आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलती है। शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और बाजू में बेल आइकन बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।